भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि गांधी परिवार अमेठी से चुनाव लड़ने आएगा। प्रश्न ये उठता है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख नागरिकों को नरेंद्र मोदी राशन भिजवाते हैं। गांधी खानदान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हैं। तो 19 लाख नागरिक जो नरेंद्र मोदी के सरकार के चलते मुफ्त का राशन पाते हैं, गांधी परिवार का ऐसे परिवारों को क्या संदेश? अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 4,20,000 किसानों को नरेंद्र मोदी सालाना उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया दिलवाते हैं। ऐसे 4,20,000 किसान परिवारों के लिए जो नरेंद्र मोदी से अब तक 977 करोड़ रुपया कुल अपने बैंक के खातों में पा चुके हैं, गांधी परिवार क्या कहेगा? आप सबने देखा कि मैं कुछ दिन पहले वायनाड में थी। वहां जाकर ये जानकारी प्राप्त हुई कि राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता। और कल कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। हम सब जानते हैं कि 15 साल में से 10 साल सोनिया जी की सरकार केंद्र में थी, सपा की सरकार प्रदेश में थी, तब राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। अब तो पुनः मोदी की सरकार बन रही है, योगी की सरकार है प्रदेश में, तब राहुल गांधी क्या करेंगे? और अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जब जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन PFI का समर्थन लिया। PFI के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे PFI के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई। तो जो हिंदुओं को मारने की लिस्टें बना रहे हैं राहुल गांधी जी, कृपा अमेठी की जनता को ये बतलाएं, ऐसे संगठन के सहयोग से आप वायनाड का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं?